सब्सक्राइब को लियानी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, उसके प्रवर्तकों के बारे में। दोस्तों, सीटेट, यूपीटेट और अन्य परीक्षाओं के हिसाब से अगर देखें तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इस वीडियो का जो ब्यौरा है या पूरा डिस्क्रिप्शन देखें, विस्तृत रूप से इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि आप जो मेरी पुस्तक है आप उसको एक बार पढ़ें, उसमें आपको ये पूरा डिटेल मिलेगी। और मैंने इस वीडियो में भी पूरा प्रयास ये किया है कि आपको हर एक विधि के बारे में अच्छे से बता सकूं, उनकी विशेषताओं के बारे में बता सकूं, उनकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में बता सकूं। और अंत में वही कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को में शेयर करें। तो आइए बिना कोई देर किए हम ये शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उनके प्रवर्तकों के बारे में। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। सबसे पहले हम जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियां हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें इसकी विधियों की, तो इसमें इसको तीन भागों में विभाजित किया है और उन तीन भागों को भी फिर अलग अलग उप भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है निरीक्षण विधि, इसको मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं या ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। सेकंड है प्रयोगात्मक विधि, विधियाँ मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। और तीसरा है विवरणात्मक विधियाँ, मेथड ऑफ एक्सपोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं निरीक्षण विधियों की। निरीक्षण विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड और बहिर्दर्शन विधि एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। ये निरीक्षण विधियों के जो थे, जो मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, उसके टू टाइप्स थे। अब बात करते हैं विवरणात्मक विधियों की, मेथड्स ऑफ एक्सपोजिशन की। जो विवरणात्मक विधियां हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले विभाजित किया गया है इसको जीवन इतिहास विधि के रूप में, केस हिस्ट्री मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा इसका टाइप है विकासात्मक विधि, जिसको हम डेवलपमेंटल मेथड बोलते हैं। तीसरा इसका पार्ट है तुलनात्मक विधि, जिसको हम कंपैरेटिव मेथड बोलते हैं। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसको हम साइको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। और उसके बाद जो पांचवा प्रकार है वो है नैदानिक विधि, डायग्नोस्टिक मेथड इसको बोला जाता है। और जो छठा और लास्ट इसका प्रकार है वो है सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के प्रकार। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्दर्शन विधि की। अंतर्दर्शन विधि, जिसको इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, इसके प्रवर्तक जो रहे हैं वो विलहम वुंट रहे हैं। और विलहम वुंट को जो है मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें अंतर्दर्शन विधि की, तो इसका मतलब होता है अंदर की ओर देखना, मतलब अपने अंदर की ओर देखना, अपने अंदर की ओर झांकना। और अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने चेतन मन का अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा, अपने चेतन मन का अध्ययन व्यक्ति स्वयं करता है। और जो स्टार्ट हुए हैं उन्होंने अंतर्दर्शन विधि के तीन स्तर बताए हैं। जो पहला स्तर बताया है उन्होंने, उसमें बताया है कि व्यक्ति अपने मन का अंतर निरीक्षण करता है इस विधि के अंदर, मतलब अपने मन की जाँच करता है। जो चेतन मन है व्यक्ति का, उसकी जो है वो व्याख्या करता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है। उसके बाद निरीक्षण करने के पश्चात वह उसका विश्लेषण करता है, जो उसका व्यवहार होता है उसका। और उसके पश्चात जो भी उसकी मानसिक क्रियाएं हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो सुधार लाने का प्रयास करता है। ये स्टाउट ने जो है तीन इसके स्तर बताए हैं अंतर्दर्शन विधि के। आइए इसके साथ देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, जो अंतर्दर्शन विधि की विशेषताएँ हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, या उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर जब व्यक्ति अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग अपने ऊपर करता है, जिससे अपना आत्मनिरीक्षण करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से या तत्काल ही वो क्या है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, उसको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और दूसरी टॉपिक की हम बात करें, इस विधि में व्यक्ति जो है स्वयं अपने व्यवहार का ही अवलोकन करता है, क्योंकि वो दूसरे के व्यवहार का वास्तविक अवलोकन नहीं कर पाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और जो इसकी वो ये है
कि इस विधि में जो है किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और यही इसी कारण जो है ये विधि जो है अत्यंत सरल और सुलभ होती है। इसमें इजीली जो है कोई भी काम किया जा सकता है। बात करते हैं अंतर्दर्शन विधि की सीमाओं की। तो देखिए, जो इसकी सीमाएं हैं, इसमें जो व्यक्ति है अपने व्यवहार का स्वयं अवलोकन करता है, किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार का अवलोकन करना आदि संभव नहीं होता, मतलब अपने व्यवहार का अवलोकन व्यक्ति जो है नहीं कर पाता है। तो अगली सीमा की, तो जो अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली जो विभिन्न सूचनाएं होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, मतलब विषयनिष्ठ प्रकृति की होती हैं, जिसको हर जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। और दूसरी अगर बात करें इसमें, तो जो शिशु होते हैं या बालक होते हैं या असामान्य व्यक्ति होते हैं या पशु पक्षियों के द्वारा जो है अंतर्दर्शन जो विधि होती है उसका प्रयोग संभव नहीं है, वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते। या बात करें अचेतन अवस्था में, जब व्यक्ति अचेतन अवस्था में होता है तो उसके जो व्यवहार होता है उसका भी हम अध्ययन नहीं कर सकते इस विधि के द्वारा। और अगर देखें बदलते स्वरूप को देखें मनोविज्ञान के, तो अनुभवों के साथ साथ जो व्यवस्थित ढंग से जो अंतर्दर्शन विधि है इसका जो है स्वरूप बहुत कठिन हो गया है, तो इसके जो है आगे आने वाले समय में इसका प्रयोग बहुत उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं अगली विधि की। अगली विधि का नाम है वही दर्शन विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके प्रवर्तक हैं जेवी वॉटसन। और दोस्तों, जैसे आपको मैं बता दूं, इस विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको अवलोकन विधि भी कहते हैं, निरीक्षण विधि के नाम से, परीक्षण विधि या वही दर्शन विधि इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। और इस विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण इस विधि के अंतर्गत किया जाता है, चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, तो सामाजिक संबंध, जन्मजात गुण हैं, समूह आदि के रूपों का निरीक्षण होता है, मतलब इस विधि में। और जेवी वॉटसन जो हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही उन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। और उन्होंने ये बताया है कि व्यवहार का जो अध्ययन है वो निरीक्षण के द्वारा ही संभव है। और आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ, जो वही दर्शन विधि है वो आधुनिक मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो दोस्तों, जो इसकी विशेषताएँ हैं, जो वही दर्शन विधि का प्रयोग जो है शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों और समूह आदि सभी के ऊपर किया जा सकता है, मतलब हम देख के जो है कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में कोई शिशु या बालक या कोई प्रौढ़ व्यक्ति या कोई किशोर जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो उसमें दिया है कि अचेतन, अर्धचेतन, विकृत या विक्षिप्त अवस्थाओं में किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन भी इस विधि के अंतर्गत दोस्तों किया जा सकता है। और एक बात और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, इस विधि में जो है एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन कर सकता है, और जो उसके परिणाम हैं वो अपेक्षाकृत बहुत वस्तुनिष्ठ होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, साथ साथ वैध भी होते हैं। और इस विधि में क्या होता है, जो पशु पक्षियों से प्राप्त परिणाम होते हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य के ऊपर लागू कर सकते हैं, और कि लागू करने की संभावना को भी देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जो विधि है ये अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय है, और साथ में वैध भी है। और इस विधि से जो प्राप्त जो परिणाम है वो संख्यात्मक होते हैं, और उनका सांख्यिकी विश्लेषण जो है किया जा सकता है। इस विधि की भी दोस्तों कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं की बात करें तो जो अवलोकन करता है वो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन या व्याख्या करते समय क्या होता है, इसमें वो पूर्व जो धारणाएं होती हैं, जो उसके पूर्वाग्रह होते हैं, उससे ग्रसित हो सकता है। और कभी कभी यही कारण होता है कि ये व्यक्ति जो ये विधि है आत्मनिष्ठ हो जाती है। कहने का अभिप्राय दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा रखता हूँ या उसकी छवि मेरे मन में अच्छी नहीं है और मेरे को उसका अवलोकन करने दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जो मेरे मन में उसकी प्रति छवि है उसका असर, उन पूर्वाग्रहों का असर उस अवलोकन में निश्चित तौर पर आएगा। वहीं बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, तो जो अवलोकन किए जाने वाला व्यक्ति क्या होता है, कभी कभी जानबूझकर अपने व्यवहार को बदल देता है, कृत्रिम व्यवहार अपना लेता है,
अगर उसे मालूम पड़ जाए कि मेरे व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने व्यवहार को उन परिस्थितियों में बदल लेता है, और जो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, वो त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, वो इस विधि में क्या होता है, अवलोकन, एक जो अवलोकन करता है वो एक साथ अनेक कार्य करता है, और इससे क्या होता है, उसे अवलोकन करने में कठिनाई भी होती है, और इसके द्वारा जो संभावित जो त्रुटियां होने की जो है एक गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस कारण जो है इसके जो परिणाम होते हैं वो अविश्वसनीय भी हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखिए दोस्तों इसमें एक कमी और भी है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति की कुछ अपनी प्रकृति होती है, अपनी गोपनीय प्रकृति के व्यवहार पर, जैसे यौन क्रियाएं हैं, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है, हम उसका जो है सबके सामने प्रदर्शन नहीं करते, तो उसका अवलोकन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि की। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है इसके प्रवर्तक रहे हैं सिगमंड फ्रायड, और जो सिगमंड फ्रायड हैं वो उसके जनक भी कहलाते हैं, और उन्होंने अचेतन मन की प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया था इसके द्वारा। और अचेतन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषण की एक नई प्रविधि का आविष्कार किया, जिसे मुक्त सहचार्य वाले विचार प्रवाह, फ्री एसोसिएटेड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, तथा स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस पर ये विधि आधारित थी, और उसका जो है इन्होंने व्याख्या की। बाद में जो फ्रायड थे उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है उसका अचेतन मन उसके व्यवहार को हमेशा प्रभावित करता है। अचेतन वास्तव में व्यक्ति की आतृप्त तथा दमित इच्छाएं तथा भावनाओं का एक पुंज होता है, ये कह सकते हैं, और वो सदैव क्रियाशील रहता है, कि जो हमारी दमित इच्छाएं हैं या आतृप्त इच्छाएं हैं वो हम हमेशा किसी न किसी माध्यम से उनको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि जो व्यक्ति के जो व्यवहार है वो इन आतृप्त और दमित इच्छाओं से हमेशा प्रभावित रहता है। और मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के जो चेतन मन का अध्ययन किया जाता है और प्राप्त किया जाता है उनकी उन दमित जो आतृप्त इच्छाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त इसके द्वारा इस विधि में की जाती है। आइए बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इस विधि में व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब उसके अचेतन मन और चेतन मन दोनों में क्या क्या चल रहा है ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की जो भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा मानसिक विकारों का निदान इस विधि के प्रयोग से ही संभव है। मान लीजिए मनुष्य में कोई मतलब परेशानी है, उसके व्यवहार में कोई दिक्कत है, तो इस विधि के द्वारा ही उसकी उन परेशानियों को जाना जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। और इस विधि में जो है व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नहीं पाता, ये इस विधि की एक विशेषता और है। इसके साथ ही बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो इसकी जो सीमा है, सबसे पहली वो है कि एक दक्ष मनोवैज्ञानिक ही इस विधि का इम्प्लीमेंटेशन किसी भी मरीज के ऊपर या किसी भी छात्र के ऊपर कर सकता है। दूसरी जो इसकी सीमा है वो यह है कि इस विधि में जो है समय, श्रम तथा धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और तीसरी की अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति में क्या होता है, इस जो विधि में व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनों को ही बड़े धैर्य के साथ में कार्य करना होता है, और ऐसा बहुत कभी कभी ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा करना संभव नहीं होता, तो हमें मनमाफिक रिजल्ट हमारे नहीं मिल पाते। अगली अगर सीमा की बात करें तो जो व्यक्ति के मन में अनेक जो वांछनीय जो इच्छाएँ हैं वो सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति समाज इस विधि का प्रयोग करने में सहयोग नहीं देते। कहने का मतलब है कि हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो सार्वजनिक हों। अगर सार्वजनिक होंगी तो उससे या तो उसकी बदनामी होगी या कोई और कठिनाई का उसे सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि व्यक्ति नहीं चाहता कि वो चीज़ें सार्वजनिक हों, और वो जो है इस विधि में आपका सहयोग नहीं करता है। आगे बात करते हैं केस हिस्ट्री मेथड की। जीवन व्रत विधि इसको बोला जाता है। दोस्तों जो जीवन वृत्त या केस स्टडी मेथड है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो टाइड मैन हैं, और इस विधि का जो प्रयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, और वर्तमान की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस विधि का जो है अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। जो इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार
के कारण की खोज करना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दशा में किसी भी कंडीशन में कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो विधि है ये निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जो डायग्नोस्टिक मेथड है उसकी एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा ही हम व्यक्ति की पूरी जानकारी, जो पुरानी जानकारी है उसको ले सकते हैं और जो है उसका इलाज निकाल सकते हैं, जो भी जो मरीज है उसका या जो बालक है। और इस विधि के द्वारा के असामान्य तथा समस्यात्मक बालकों के निदान का भी की भी ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो असामान्य बालक होते हैं उनका व्यवहार असामान्य क्यों है, ये सब भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है, जाना जा सकता है कि उक्त बच्चा किस परिस्थिति में व्यवहार जो है अपना इस प्रकार का क्यों करता है। तो इस विधि को इस रूप में भी माना जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ विधि जो है मानी जाती है। और कुछ समायोजित जो बालक होते हैं उनका अध्ययन भी इस विधि में बड़ा उपयोगी है। दोस्तों इस विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है एक सूचना प्रपत्र पर व्यक्ति के इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी, उसके जन्म से लेकर आगे तक की समस्त जानकारी जो है इकट्ठा की जाती है और उसी से जो है व्यक्ति के जो उस बालक है या उस वो व्यक्ति है उसका जो है हम व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कर पाते हैं। और यह जो विधि है ये उपचारात्मक में उपचारात्मक अध्ययन में विशेष लाभप्रद है। आइए बात करते हैं इस विधि की विशेषताओं के बारे में। तो जो उपचारात्मक परामर्श की हम बात करें तो जो उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम विधि है। यह बात करें मंद बुद्धि व पिछड़े बालकों की तो ये मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के लिए एक अत्यंत उपयोगी विधि है। जो पिछड़े बालक होते हैं मानसिक रोगी होते हैं उस प्रकार के ये। और अगर बात करें अगले पॉइंट की तो यह विधि में जो है विभिन्न स्रोतों से तथा व्यापक ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं, इसलिए इस विधि का प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो जो जीवन इतिहास विधि है इसकी जो सीमाएं हैं उसकी पहली सीमा है कि इस विधि का प्रयोग भी कोई विशेष व्यक्ति ही या विशेषज्ञ ही कर सकता है, आम व्यक्ति इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। और दूसरा वही है एक कारण इसका जो सीमा है कि समय श्रम तथा धन अधिक लगता है इस विधि में और जिस कारण ये विधि जो है अधिक व्ययशील हो जाती है। अगला अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे इष्ट मित्र होते हैं और अगर हम उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो जो है क्या करते हैं, जो संबंधित सूचना होती है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, वो बताते नहीं हैं उस सूचना को कि ये जो सूचना है किस प्रकार जो है उसके व्यवहार में घटी या कोई बात हुई। तो इससे क्या होता है जो निष्कर्षों की जो प्राप्ति होती है वो बहुत गलत हो जाती है और हमारे जो है सही निष्कर्ष नहीं निकल पाते। अगर अगली सीमा की इसकी बात करें तो इस विधि में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमेशा मतभेद हमेशा बना रहता है। बताओ क्या करियो, सिलेंडर लगा दो खत्म हो। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अगली विधि की, यह है प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि जिसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बोलते हैं। और इसकी जो प्रवर्तक रहे हैं इस विधि के वो भी विलियम वुंटी रहे हैं। दोस्तों इस विधि में जो दो चर होते हैं, दो घटनाएं होती हैं, उनके मध्य संबंधों की खोजबीन की जाती है कि अगर ये घटना हुई है तो इसके पीछे कारण क्या है, उसके क्या मतलब परिणाम होंगे, यानी दो चर जो होते हैं उन चरों के बीच में उन संबंधों का पता लगाया जाता है और पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्रयोगात्मक विधि जो है ऐसा माना जाता है कि जो इसके परिणाम होते हैं वो सटीक होते हैं और जो इसमें सब कुछ जो है पहले से निर्धारित होता है और उन्हीं निर्धारित दशाओं के अंतर्गत सारे काम किए जाते हैं। और इस विधि को एक वस्तुनिष्ठ विधि माना जाता है, सॉरी व्यक्तिनिष्ठ विधि माना जाता है, वस्तुनिष्ठ नहीं, मैं गलत बोल गया, एक व्यक्तिनिष्ठ विधि इसको माना जाता है। और इसकी जो जो सर्वप्रथम विलियम बुंटी थे जिन्होंने पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी 1879 में लिप्जिंग कॉलेज जर्मनी में इसकी स्थापना की थी, जिसको आज के समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि में क्या होता है, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है कि अगर उक्त घटना घटी है तो उसके पीछे क्या कारण है, बहुत सी जो परिकल्पनाएं स्थापित की जाती हैं। और अगर देखते हैं आगे इसकी विशेषताओं के बारे में तो दोस्तों जो इसकी विशेषताएं हैं
यह एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है और जो इसके द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो बहुत ही वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं तथा वैध होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस विधि का जो है परिस्थितियों पर नियंत्रण होता है, मतलब मन कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जब इस विधि का प्रयोग करता है तो सब परिस्थितियों पर एक मनोवैज्ञानिक का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है और इसीलिए इस विधि से जो है कार्य और करण के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इस विधि में क्या होता है, जो जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका सत्यापन जो है पुनः किया जा सकता है प्रयोग की पुनरावृत्ति करके, मतलब कितनी भी बार आप प्रयोग करोगे जो परिणाम है इसके वो सेम ही आएंगे। तो यह विधि एक जो है अपने मतलब विश्वसनीय होती है और वैध भी होती है। दूसरी अगर बात करें तो उसमें एक पॉइंट और है कि पशुओं पर जो प्रयोग करके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग जो है मनुष्य पर भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और जो उच्च स्तरीय प्रयोगात्मक अभिकल्प का जो प्रयोग करके इस विधि के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन एक विशुद्ध ढंग से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषताएं थी। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसकी सीमाओं की, तो देखिए एक बड़ी इसकी एक सीमा जो है वो ये भी है कि कमी कहेंगे इसकी कि अगर भौतिक परिस्थितियों की बात करें तो उन पर नियंत्रण रखना सरल कार्य नहीं होता है, क्योंकि किसी का जो व्यवहार है अगर व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना एक अत्यंत कठिन और असंभव सा कार्य हो जाता है, और जिसके कारण क्या हो सकता है हमें परिणाम जो है बड़े त्रुटिपूर्ण प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात करें, प्रयोग चाहे आप कितनी भी सावधानी से करें लेकिन कुछ ना कुछ कृत्रिमता जो है अवश्य आ ही जाती है, जिससे के कारण जो परिणाम होते हैं दोस्तों वो विश्वसनीयता उनकी जो होती है वो संदिग्ध हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनका निर्माण करना एक असंभव सा हो जाता है अथवा अवांछनीय होता है, जैसे बालक में क्रोध उत्पन्न करना, डर उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है वो एक अवांछनीय ही हमेशा रहता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इसमें है इस विधि में जो है व्यक्ति को नियंत्रण परिस्थितियों में कार्य करना होता है, इसलिए इसका के प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती, मतलब एक नियंत्रित परिस्थितियों में आप काम करेंगे, प्रयोगकर्ता को जो काम करना होता है सब कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में करना होता है, जिसके कारण कुछ समय बाद जो प्रयोगकर्ता है जो प्रयोज्य है वो सहयोग उसका नहीं कर पाता और जो परिणाम हमें सही प्राप्त नहीं हो पाते। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार अस्वाभाविक तथा आडंबरहीन हो जाने आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब एक समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि हम अपना व्यवहार को जो है सेम नहीं रख पाते, उसमें परिवर्तन आ ही जाता है जिसके कारण कुछ ना कुछ कमी इस व्यवहार इसमें विधि में रह जाती है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंटल मेथड की, विकासात्मक विधि। दोस्तों जो विकासात्मक विधि है इसको जेनेटिक विधि भी कहा जाता है, और इस विधि के अंतर्गत जो है क्या होता है व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, कंटिन्यूअस अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जन्म से लेकर व्यक्ति के प्रौढ़ावस्था तक जो उसके व्यक्ति के विकास के विभिन्न पक्ष हैं उससे संबंधित व्यक्ति सूचना एकत्रित करता है और उन सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर देखता है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव पर क्या उसके प्रभाव पड़ रहा है उसके व्यक्तित्व पर, जो व्यक्ति के विकास पर जो है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा है इसका वो अध्ययन करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो विकासात्मक विधि है इसके द्वारा जो विभिन्न अवस्थाएं हैं जैसे कि शैशव अवस्था हुई, बाल्यावस्था हुई, किशोरावस्था हुई, प्रौढ़ावस्था हुई, या अमीर व्यक्तियों के मानसिक तथा सामाजिक संवेगात्मक तथा चारित्रिक आदि जो पक्षों के जो विकास हैं उन सब का अध्ययन भैया इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। अगर बात करें विकासात्मक विधि की विशेषताओं के बारे में तो दोस्तों विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विशेषताओं को जानने के लिए विकासात्मक विधि एक अधिक उपयोगी या सर्वोत्तम एक विधि है, मतलब जो भिन्न भिन्न जो विकास की अवस्थाएं हैं उसकी अगर हम विशेषताओं को जानना चाहते हैं। दूसरा अगर बात करें तो जो बालक के विकासात्मक दोष को जानने के लिए भी ये विधि अत्यंत उपयोगी है कि अगर बालक में जो विकास बालक का हो रहा है उसके विकास में अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो उनके पीछे क्या कारण है उसको जानने के लिए भी ये विधि एक अत्यंत उपयोगी विधि है। अगर बात करें दोस्तों इसकी इस विधि की सीमाओं के बारे में
तो इस विधि में एक दीर्घकालिक विधि तो है ही, क्योंकि आप अगर किसी भी बालक का बचपन से लेकर आगे बढ़ने तक, उसकी किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक पूरा अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत समय लगता है। समय के साथ साथ धन की आवश्यकता होती है और श्रम वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये इसकी एक सीमा है। अगर दूसरी अगर हम बात करें तो जो मनुष्य का व्यवहार होता है वो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं जिससे वो प्रभावित होता है, और सभी को नियंत्रित करके अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता। ये विकासात्मक विधि की एक बहुत बड़ी कमी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपनी अगली विधि की, जिसे कहते हैं कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक विधि। जो तुलनात्मक विधि है उसमें जो व्यक्ति और प्राणियों का, ये कहें कि प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना, विभिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना, लड़के तथा लड़कियों के व्यवहार की तुलना आदि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कि अगर पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना की जाएगी किसी परिस्थिति विशेष में, या फिर दो प्रजातियों की विशेष मतलब तुलना की जाए उनके व्यवहारों की, लड़के लड़कियों के व्यवहारों की तुलना की जाए, वो सब कंपैरेटिव मेथड के दौरान ही होता है। इस विधि में दोस्तों दो समूहों के व्यवहारों की समानताओं तथा असमानताओं की तुलना से अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और इसके बाद बात करते हैं इस विधि की विशेषताओं की, तो जो इसकी विशेषताएं हैं, जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता उन प्रयोगों को पशु के ऊपर किया जा सकता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। यह केवल इस एकमात्र विधि ही एक ऐसी विधि है जिसमें ऐसा संभव है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो जो अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना सरल हो जाता है। ये कहें कि जो पहले से कंपैरेटिव स्टडी हम कर चुके हैं कि अन्य प्रजाति पर, अगर फिर उसको मानव व्यवहार से अगर उसकी तुलना की जाए तो मानव व्यवहार को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बात करें इस विधि की सीमाओं के बारे में, तो जो मनुष्य तथा पशु में एक स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पशु का व्यवहार उस परिस्थिति में अलग होगा और सेम मनुष्य, हाँ ये कह सकते हैं कि मनुष्य का व्यवहार कुछ हद तक मिल सकता है, उस विधि का प्रयोग कुछ हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस विधि का प्रयोग हम उसके ऊपर नहीं कर सकते। दूसरी बात करें कि विभिन्न प्रजातियों का जो शारीरिक गठन होता है, उनका वंशानुक्रम होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं, अतः एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों पर प्रयोग करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगली विधि की हमारी, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक मेथड, नैदानिक विधि। जो हमारी नैदानिक विधि है इसका जो प्रयोग है व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए, और यह एक व्यक्तिगत विधि है। इस विधि में व्यक्ति का जो अध्ययन है उसका अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाले कठिनाइयों का निदान मतलब खोजा जाता है, और यह विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष उपयोगी विधि के रूप में जानी जाती है। और इस विधि में जैसे हम कह सकते हैं कि पिछड़े बालकों की कठिनाइयों को जानना और जानकर उनका निदान करना, वो इसकी विधि के अंतर्गत होता है। या जैसे कि बात करें कि हकलाने वाले बालक होते हैं उनके हकलाने कारणों को जानना, उस विधि के अंतर्गत हम ऐसा कर सकते हैं। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के कारणों को जानना, या उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों की शैक्षिक असफलता को जानना, मतलब बालक की जो मानसिक योग्यता है वो उच्च है लेकिन फिर भी वो असफल हो रहा है, उसके कारणों को जानना भी नैदानिक विधि के अंतर्गत आता है। यार तुम्हें सीटा पहला बच्चा। आगे बात करते हैं दोस्तों नैदानिक की जो विधि है इसकी विशेषताओं के बारे में। जो उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व समस्याएं ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग एक अपरिहार्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी अगर उपचार करना चाहते हैं किसी भी समस्यात्मक बालक का, तो उससे पहले इस विधि को जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और कारणों को जानने का जो है प्रयास किया जाता है। साले सब इस समय जो बालकों की शैक्षिक समस्याएं होती है उनका समाधान करने के में भी जो नैदानिक विधि है वो अत्यंत उपयोगी है।
मतलब अगर कोई कठिनाई बालक को आ रही है उसकी पढ़ाई में, तो इस विधि का इम्प्लीमेंटेशन करके जाना जा सकता है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से उन परेशानियों का वो सामना कर रहा है। और बात करें इन विधि की सीमाओं की, तो इस विधि की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कुशल मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। एक कुशल मनोचिकित्सक ही इस विधि का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और दूसरा जो है, इस विधि की जो सीमा है, और यह एक श्रम साध्य विधि है, धन का अधिक उपयोग होता है, इसलिए एक मतलब अत्यधिक समय इस विधि में जो है खर्च होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये हमारी आखिरी विधि है सर्वेक्षण मेथड, जिसको हम सर्वे मेथड भी बोलते हैं, सर्वेक्षण विधि। दोस्तों जो सर्वेक्षण विधि है, एक आधुनिक एवं पर्याप्त प्रचलित इस विधि को माना जाता है कि ये विधि एक आधुनिक विधि है और आज के समय में पर्याप्त रूप से प्रचलित है। और दोस्तों इस विधि में जो व्यक्ति के प्रतिदर्श से जो प्रदत्तों का संकलित हम करते हैं, उसके आधार पर ही हम बच्चे के व्यवहार का सामान्यकरण करते हैं। मतलब जो भी हम सर्वे के दौरान अपना डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा का फिर इम्प्लीमेंटेशन मतलब नहीं कहेंगे जनरलाइजेशन करेंगे, और जनरलाइजेशन करने के बाद ही हम सामान्यकरण कर सकते हैं। दोस्तों इस विधि को जो है सांख्यांकी विधि, सांख्यांकीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि से जो प्राप्त सूचनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं या जो नियम हैं, लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त उनको माना जाता है। आगे बात करें अगर दोस्तों, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा है या मनोविज्ञान है, इसके क्षेत्र में अवलोकन हुआ, साक्षात्कार हुआ, प्रश्नावली हुई, परीक्षण हुई है आदि जो मापन के उपकरण हैं इसी प्रकार के, उन्हीं की सहायता से जो संकलित प्रदत्त हैं हमारे, या सांख्यिकी ढंग से जो विश्लेषण करके हम जो है प्राप्त परिणाम कर सकते हैं, मतलब हम परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। बात करते हैं सर्वेक्षण विधि के विशेषताओं की, तो दोस्तों ये एक वैज्ञानिक विधि है, और जिसके कारण जो है इसकी जो प्रमाणिकता है उसको स्वीकार किया जाता है, जो भी सूचना इस विधि के द्वारा प्राप्त होती हैं। और दोस्तों इस विधि में क्या होता है, जो प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाएं होती हैं, उसके आधार पर ही जो है निष्कर्षों को ज्ञात किया जाता है, जिसके कारण कम समय श्रम व लागत अध्ययन में संभव हो पाती है और कम श्रम लग पाता है। दोस्तों जो सांख्यांकी विधि के प्रयोग से जो विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंध हैं, उनका भी जो है गहन अध्ययन इस विधि में किया जा सकता है। आगे बात करते हैं सर्वेक्षण विधि की सीमाओं के बारे में, तो दोस्तों इस विधि की जो विश्वसनीयता है, प्रयुक्त किए गए जो प्रतिदर्श है, जो हमारा सैंपल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है, वो संपूर्ण अपने जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं करता है। अगर वो प्रतिनिधित्व करता है तो सूचनाएँ सत्य होंगी, और प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो सूचनाएँ असत्य होंगी और अविश्वसनीय होंगी। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये विधि जो है समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है, और इस विधि से जो व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। सर्वे विधि में जो है एक समूह की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है टॉपिक आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स लिखकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो प्रश्न है मैं उनका उत्तर दे पाऊं। और आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।